नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। यहाँ से मार्कंडे महादेव 18 किलोमीटर, वहीं लुम्बिनी 330 और सुरावस्ती 390 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यहीं से वाराणसी और गाजीपुर फोर लेन का मार्ग स्टार्ट है। सामने आप देख सकते हैं, रोड के बीचों बीच LED लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी और सुरक्षा मिल सके। देख सकते हैं, दोनों तरफ की लेन इस समय चालू है। दोस्तों, अभी हम संधा चौराहा है, यहाँ से सीधे गाजीपुर और बाएं आप रिंग रोड फेज़ वन पहुँच जाएंगे। वहीं यहीं से आप ये जो देख रहे दाहिने तरफ, ये रिंग रोड फेज़ टू अली नगर तक चला जाएगा। दोस्तों, हमको गाजीपुर जाना है, इसलिए सीधे चलना होगा। दोस्तों, वाराणसी गाजीपुर फोर लेन की वीडियो दो भागों में आएगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, इसके पहले वाराणसी से चुनार, वाराणसी से जौनपुर और अब वाराणसी से गाजीपुर फोर लेन की वीडियो आपके सामने है। भविष्य में आपको कहाँ की वीडियो चाहिए, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। दोस्तों, सड़क के दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई है, जिससे बिना किसी बाधा के आप सीधे आराम से चल सके। वहीं दोनों किनारे आप देख सकते हैं, सर्विस लेन भी बनाया गया है, जिसमें कई सारे ट्रकें खड़ी हैं। दोस्तों, यह राइड मार्कंडे महादेव मंदिर तक होगी। मार्कंडे महादेव मंदिर की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं हमें। दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं, जिस लेन में हम अभी चल रहे हैं वहाँ का एक लेन अभी बंद है, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा काम नहीं हुआ है, इसलिए आने व जाने के लिए दोनों के लिए एक ही लेन का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, सामने आप जो खड़ी बस देख रहे हैं वह सिटी बस है, जो कि JNURM के तहत चला जाता है। देखिए, यहाँ पर अभी रोड नहीं बना हुआ है। आने वाले भविष्य में इस रोड के बीचों बीच पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे इस सड़क की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। यह सड़क RCC के बनाई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं, बाएं साइड आपको सर्विस लेन मिल जाएगा। वहीं सर्विस लेन के पास ही खंभे लगाए गए हैं, लेकिन अभी इसमें LED लाइटिंग लगाना बाकी रह गया है। सामने आप देख सकते हैं, गाय भैंस ही रोड पर बैठे हुए हैं, जिससे दुर्घटनाग्रस्त होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इस पर गाड़ी चलाते समय ध्यान दें। दोस्तों, वाराणसी से अन्य ज़िलों को जोड़ने के लिए जो भी सड़क बनाया जा रहा है वो सभी RCC की बन रही है। तारकोल के मुकाबले इस सड़क की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, वहीं उसके मुकाबले ये ज़्यादा दिन चलती है। दोस्तों, अभी हम जिस मार्केट में हैं, इस मार्केट का नाम उमराहा है, जो कि वाराणसी ज़िले के अंतर्गत आता है। और इसी बाज़ार से कुछ दूरी आगे चलते ही सर्वेद महामंदिर धाम पड़ता है, जिसकी बोर्ड आपको सड़क के बीचों बीच मिल जाएगा। चलिए आपको वहाँ दिखाते हैं कि अभी कहाँ तक काम पहुँचा है, क्योंकि यहाँ का काम करीब 15-20 साल पहले से चालू है। इसकी नक्काशी काफ़ी खूबसूरत है। इस जगह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे।
सर्वेद महामंदिर धाम की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि आप सड़क से इसे आसानी से देख सकते हैं। गुलाबी रंग के पत्थरों से बना यह काफ़ी खूबसूरत दिखता है। सामने आप सर्वेद महामंदिर धाम की बोर्ड भी सामने देख सकते हैं, जो कि रोड के बीचों बीच लगा हुआ है, और यहीं से तारकोल की पतली सड़क आपको वहाँ ले जाएगी। चलिए आपको ले चलते और दिखाते हैं कहाँ तक काम पहुँचा है। दोस्तों आए सोचे आपको दिखा दें यहाँ का मंदिर कैसा है, लेकिन कोविड-19 के होने की वजह से अंदर जाना मना था, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। भले बाहर से ही, लेकिन हमने महामंदिर धाम का दर्शन तो कर लिया है। अब वापस अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों रास्ते में आपको मार्कंडेय महादेव मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पर सावन के महीने काफ़ी भीड़ होती है, लोग दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। अगर आप कभी मार्कंडेय महादेव मंदिर के दर्शन किए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी से गाजीपुर तक जो 4-लेन सड़क बन रही है वह वाराणसी गोरखपुर 4-लेन का ही भाग है। वहीं वाराणसी से जौनपुर तक जो रोड बन रहा है वह वाराणसी लखनऊ 4-लेन का ही भाग है, जबकि वाराणसी से मिर्ज़ापुर बन रहे 4-लेन वह वाराणसी हनुमाना 4-लेन का भाग है। दोस्तों जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद बने हैं, वह वाराणसी के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने वाराणसी को व्यापार हब बनाने के लिए आसपास के सटे जिलों को 4-लेन सड़क से जोड़ दिया है, जिसमें वाराणसी से जौनपुर 4-लेन, वाराणसी से गाजीपुर 4-लेन, वाराणसी से आजमगढ़ 4-लेन, वहीं वाराणसी से मिर्ज़ापुर 4-लेन से जोड़ा जा रहा है। वहीं इन जिलों को जोड़ने के लिए तारकोल की जगह RCC की सड़क बनाई जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे आपकी यात्रा और सुगम और आसान हो जाती है, क्योंकि तारकोल की सड़क की लाइफ बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के समय बनाया गया वाराणसी से शक्ति नगर मार्ग तारकोल की बनी है, जो कि जगह जगह उखड़ चुकी है। आप देखेंगे कहीं कहीं 4-लेन की जगह 2-लेन है और लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है। दोस्तों जब भी आप सड़क पर यात्रा कर रहे हो और दो पहिया वाहन चला रहे हो तो अवश्य हेलमेट जरूर पहने, चाहे आधा किलोमीटर ही सफ़र क्यों न करना हो, क्योंकि पहले मैं कहता था जान है जहान है, लेकिन मैं अब कहता हूँ सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी। दोस्तों इस सड़क पर वाहनों का दबाव कम है, जबकि वाराणसी जौनपुर मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। दोस्तों अगर आप कभी वाराणसी गाजीपुर सड़क मार्ग का उपयोग किए हों तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, और पहले सड़क कैसी थी यह भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको डेवलपमेंट वाली वीडियो पसंद आती है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी से मिर्ज़ापुर 4-लेन, वाराणसी से जौनपुर 4-लेन, और भी बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या काम चल रहा है। मैं कोई भी फ़ोटो और डाउनलोडेड क्लिप नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट मिलता है आपको इस चैनल पे। दोस्तों अगर आपको वाराणसी से आजमगढ़ बन रहे 4-लेन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें आजमगढ़ लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी से गोरखपुर 4-लेन का शिलान्यास सन 2016 में किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण जैसे मामले के वजह से काम रुका हुआ था, जो कि अब सुलझा लिया गया है। कहा जा रहा है कि दिसंबर तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा, वहीं जनवरी से लोग इस पर फराटा भर सकेंगे बिना रुके। दोस्तों कुछ ही दूरी पर आपको चौबेपुर बाज़ार मिलेगा,
लेकिन यह फोर लेन सड़क चौबेपुर बाज़ार गए बिना दाहिने से ही कट गया है, जिससे चौबेपुर बाज़ार का नुकसान न हो सके और वहाँ का बाज़ार बने रहे। दोस्तों, मैं जो भी फोर लेन सड़क कवर कर रहा हूँ उसमें एक बात ध्यान दे रहा हूँ कि जो भी प्रमुख बाज़ार सड़क के किनारे पड़ रहे हैं वहाँ से कट कर फोर लेन बाएँ या दाएँ साइड निकल जा रहा है, जिससे वहाँ का बाज़ार और व्यापारी को नुकसान न पहुँचे। बाएँ साइड आप जो तारकोल की सड़क देख रहे हैं वही चौबेपुर बाज़ार की तरफ जाता है, जहाँ से आप कादीपुर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। दोस्तों, वाराणसी से गोरखपुर तक बन रहे फोर लेन का ही पार्ट है वाराणसी से गाजीपुर फोर लेन। वाराणसी से गोरखपुर करीब 220 किलोमीटर का फोर लेन बनाया जा रहा है, जिसमें 9 बाईपास, 15 बड़े पुल, 34 छोटे पुल, 7 फ्लाईओवर, 5 ओवरब्रिज, 3 टोल प्लाजा, 23 रोड जंक्शन है। अभी हम जिस पुल पर है वह एक अंडर पास है और सामने आप जो तार के खंभे देख रहे हैं वह पहले सड़क के बीचों बीच था, लेकिन बाद में इसे हटाकर किनारे किया गया। दोस्तों, अब आप वीडियो का थोड़ा आनंद लीजिए। दोस्तों, इस सड़क को फोर लेन बनाने का काम NHAI ने PNC इंफ्राट्रेक प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया था। इस राजमार्ग को NH-29 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं वाराणसी से गाजीपुर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपके लिए आया था। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था यहाँ आना, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि वाराणसी से गाजीपुर तक की फोर लेन की वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। उसी को वादा पूरा करते हुए यह वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द ही आएगा, इसलिए वीडियो को देखना पूरा मत भूलिएगा। दोस्तों, जो भी मैं राइड वाली वीडियो बनाता हूँ वह मैं अपने मोबाइल से ही बनाता हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कृपया उसे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल हाथ से पकड़ के बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। फिर भी कोशिश में करता हूँ मैं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। भविष्य में अगर यूट्यूब से अच्छी इनकम होती है तो मैं GoPro लेने का ज़रूर प्रयास करूँगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लंबे होने की वजह यह है कि मैं वीडियो को जो भी बनाता हूँ वो पूरा बनाता हूँ, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल में कहाँ काम रुका हुआ, कहाँ पूरा कंप्लीट है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है। दोस्तों, वाराणसी से गोरखपुर तक करीब 3 टोल प्लाजा बनेंगे, जिसमें से पहला टोल प्लाजा मार्कंडे महादेव मंदिर से 2-3 किलोमीटर आगे बन रहा है। फिलहाल अभी रोड पूरा कंप्लीट न होने के वजह से टोल वसूला नहीं जा रहा है, जबकि सभी बोर्ड लग चुके हैं, सिर्फ रेट लिखना बाकी रह गया है। आगे आने वाली वीडियो में आपको टोल प्लाजा भी दिखाऊंगा मैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी शहर का या किसी भी देश का विकास वहाँ से गुजरने वाली सड़कों की वजह से होता है। वही आज सपना सच हो रहा है, क्योंकि जब से यह सड़क बन रही है लोग नए नए दुकानें खोल रहे हैं सड़क के किनारे और इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। दोस्तों, भविष्य में इस चैनल पे आपको ओढ़ियार जंक्शन की वीडियो भी मिलेगी और मैं वहाँ दिखाऊंगा कि पहले से ओढ़ियार जंक्शन कितना बदल चुका है और कितना विकास हुआ है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही विकास वाली वीडियो ज़रूर लाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस सड़क पर सफ़र कर रहे हों तो आपको कई सारे पेट्रोल पंप, ढाबे, ATM आदि की सुविधा मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप
यह वीडियो गाजीपुर से देख रहे हो और गाजीपुर के रहने वाले हों तो कमेंट बॉक्स में गाजीपुर लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने सब्सक्राइबर मेरे गाजीपुर से हैं। दोस्तों, यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे मार्कंडेय महादेव का धाम है, जहाँ बाबा गोमती व गंगा तट पर विराजमान हैं। फिलहाल इस समय मार्कंडेय महादेव मंदिर खुला हुआ है, अगर आप दर्शन करना चाहें तो आप दर्शन आसानी से कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको मार्कंडेय महादेव की वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। अगर आप मार्कंडेय महादेव मंदिर क्यों बना और इसके पीछे क्या कहानी है अगर ये जानना चाहते हैं तो आने वाले मार्कंडेय महादेव की वीडियो आप ज़रूर देखना मत भूलिएगा। वहीं मार्कंडेय महादेव मंदिर के पास गंगा के तट पर नया घाट भी बनाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, आने वाली वीडियो में वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, सामने आप जो अंडरपास देख रहे हैं वह मार्कंडेय महादेव मंदिर जाने के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को असुविधा न हो। मार्कंडेय महादेव मंदिर जाने का दो मार्ग है, एक जो अभी हम जा रहे हैं वहीं दूसरा अंडरपास से होकर जाने वाला है। आप देखेंगे कि पहले से यहाँ कितना विकास हो चुका है। यहाँ पर दो गेट बनाए गए हैं, एक अटल नाम से, दूसरा मालवीय नाम जी से।